पापा का शक्ल निकाला था तभी बाहर आए थे। ये बोल दे कि मैं भी स्टक हो गया, इनके पीछे वाला पिकअप भी स्टक है। वो तेरे नहीं, इतनी ज्यादा तो नहीं है। दिस इज विंटर पैग। इसका ड्राइव देखो साफ है, अपने तरफ से हवा थी ना, ये अपनी साइड वाले सब ड्राइव भर गए और दूसरी साइड वाले सब सही है। वो देखो आगे वाला भी सही है, इतनी ज्यादा नहीं है उस पर भी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला, चढ़ती कला ही होनी चाहिए। कल रात को एनिवर्सरी इन्जॉय करके आराम से सोए थे कि सुबह आराम से उठेंगे, और ये देखो सुबह हमारा आराम जो है ऐसे शुरू होता है। हवा जो है ना हमारी साइड में चली है, पूरे रोड बंद है, विनीपैग के बाहर जाने वाले सब कुछ बंद है, सारे हाईवे बंद है, सब ट्रक खड़े हैं, सब कारें खड़ी हैं, कोई शहर से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ लोकल शहर चल रहा है, जो लोकल शहर है। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि हम मशीन क्यों नहीं लेके आते स्नो उठाने वाली। हाँ, मैंने बोला जब तक मैं हूँ तब नहीं लो। पापा ने रोक दिया, फिर से साफ किया यहाँ पर। अब तो इतनी बर्फ पड़ गई तो चलो घर का हाल देखो ऊपर से। वो ऊपर वाली वॉल जो है ना उसके ऊपर देखो कितनी स्नो इकट्ठी हो गई है। ओह, गुस्से में आकर हमने अपना ब्रश ही तोड़ दिया। देखो पूरा सफाई करना पड़ता है गाड़ी का। कोई अभी टूट गया। अगर मशीन लेके आएंगे तो ये वाला मजा कहाँ आएगा? ये देखो नाक तो हमारा लगा नहीं करेगा, बुड्ढा नहीं करेगा, नाक तो हमारा लगा है लेकिन। ओ बेस्ट मोमेंट। ओ इधर कोई क्या चलाओ। आज स्नो दूसरी है, ये देखो पानी वाली स्नो है। हमारा एक बंदा वो नहीं मानता, सच में उंगलियां काटनी पड़ जाएंगी बाद में। नहीं अभी नहीं है? अभी मैं थकी नहीं हूँ, अभी जब मेरे मालूम पड़ जाएगा फिर मैं भाग जाऊंगी अंदर। आ जाओ, ठंड बहुत है अंदर, आ जाओ। अच्छा लग रहा है, देखा? हाँ देखना इधर उधर। हाँ ये देखो, ओह आज ना हवा की वजह से ज्यादा हो गई। वो देखो ऊपर एक एक हार बना हुआ है, वो चला सा, वो देखो ना हिल रहा है वो। नहीं केला अपना नहीं है वो, देखो वो गर्म का भी बुरा ही हाल है। जितने भी ये साइड वाले हैं ज्यादा बुरा हाल है, देखो सबके पत्थरों के ऊपर देखो क्या बना है। इधर बिल्कुल नहीं होता, देखो उस साइड में कोई भी नहीं है। हाँ ये हवा की मार है, ये देखो अभी तो शहर से बाहर ही निकले पापा, ये पेरीमीटर भी नहीं है, लेकिन हवा की स्पीड ही ज्यादा है। अभी नॉर्थ वाली हवा है, देखो राइट साइड से आ रही है ना, इसलिए अपनी गाड़ी का टेम्परेचर -20 के पास में तो गाड़ी बता रही है। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, ओ अच्छा वो सेंटर में भी दो गाड़ियां फंसी हुई हैं, वो निकाल रहे हैं। ये देखो पुलिस वाले की गाड़ी देखो कौन सी है, पुलिस वाला वो बेल्ट लगा के खुद निकाल रहा है उसकी गाड़ी। करना के रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है, कल ना चले डब्बा देने। अभी तो निकल आए हैं, अभी घर तो वापस जाना ही पड़ेगा ना, रोड तो बंद किया हुआ, हाईवे के ऊपर जाने नहीं दे रहे किसी को भी। यहाँ से यू टर्न लेके ना वापस निकल जाते हैं। अपना एक दोस्त रहता है, उसको डब्बा देने के लिए जाना था, मैंने सोचा आज वो घर है लेकिन वापस जाना पड़ेगा। चलो दिन दिन में दिखाई दे रहा, रात को तो ये भी दिखाई नहीं देता बाबा रोड के ऊपर। अच्छा? देखा पुलिस वाला खुद बेल्ट लेके उसकी गाड़ी निकाल रहा है, क्योंकि वो गाड़ी इंटरसेक्शन के बीच में फंसी हुई है। कैसा लग रहा है कनाडा का स्टॉर्म देख के, ट्रक लेके हाईवे के ऊपर निकलते हैं। पंजाबी में बहुत टाइम पहले गाना बोल दिया, फिर ट्रक वाले सब की शरीर नोट चुकते हैं। सही बात है, ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा है ये वाला। वो देखो सामने पुलिस वाला खड़ा है, रोड बंद है, इसको जाने नहीं देगा वो सीधा, इसको लेफ्ट ही जाना होगा यहाँ से। ओ देख गाड़ी, ओए निकाल ले भाई, मेरा भी फंसेगा काम। निकल गई, निकल गई अपनी, ये अपनी तो निकल जाएगी, अपनी तो ऑलवेज ड्राइव है। इंटरसेक्शन में वैसे भी ज्यादा बुरा हाल होता है। मेरे को तो करना ऐसा लगता है जो कोई गेम चल रही है ना। हम तो हमारी जिंदगी ऐसे ही निकलती है सर्दियों में, हम जहाँ से खिसक लेते हैं घर को, बाद में हमको भी गाड़ी लगेगी निकालने के लिए। सामने गाड़ी गिरी है, पापा बोल दे ओए ओए गाड़ी गिरी है, देखना चाहिए हमको बंदा सही है, देखना चाहिए ना, फर्ज बनता है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आम बात है, गाड़ियाँ गिर जाती हैं खुद ब खुद, बंदे कॉल कर लेते हैं, जो गाड़ी सीधी होती है ना गिरी उसको कोई टेंशन नहीं होती, आपका शक निकाल देते हैं बाहर जाके एक बार अगर आपको निकालना है तो। बड़ी लगी हुई है। हाँ पापा का शक्ल निकाला था तभी बाहर आए थे, बुरा हाल है।
नहीं देखी, दर्द हुई गई आंखों में वो, ये जहां से दर्द करती है यहां से। बहुत ज्यादा यार, बहुत तूफान है, कोई स्टॉर्म नहीं इनका, ये इंडिया का तूफान है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बाहर जाने का फायदा नहीं, पापा के दिल में हमदर्दी आ रही थी, लेकिन होता है जब जब बंदा नया नया इंडिया से आता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कि वो गाड़ी अभी भी गिरी है, लेकिन उसके आगे जब हम ढेर देखते ना तो मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर कोई नहीं है। अब मैं वहाँ तक जाना भी मुश्किल है, बुरा हाल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड चल रहा है ना, कोई ना कोई आगे अपने को ठोकेगा पीछे से। 200 में हवा चल रहा है, मैंने मफलर भी नहीं डाला था, मेरे यहाँ पे लगी आगे। करना एक बात तो मेरे को मालूम पड़ा है, इंडिया वाले को उधर बैठे कनाडा कैसे लगता है, मतलब तो ऐसे लगता है जैसे कोई स्वर्गापुरी है, लेकिन इधर आगे मालूम पड़ता है कनाडा क्या चीज है। नहीं स्वर्गीय है कनाडा, लेकिन कभी कभी कनाडा को भी गुस्सा आता है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ गुस्से वाला। उसकी फंस गई गाड़ी, ये भी फंसी हुई है, ये भी फंस गई यार। और ये तो 4x4 है ना, हाँ लेकिन जो बंदा कहाँ गया इसका, नहीं बैक गियर डाला हुआ है उसने, बंदा चला गया बैठ के किसी चीज में ना, गाड़ी बैक गियर में स्टार्ट खड़ी हुई है। अपना सामान खरीदते हैं पापा, घर चलते हैं, घर में बैठ के चाय बनाते हैं भाई, और ऊपर वाले से अरदास करते हैं यार कि हमारे जो भाई रोड के ऊपर ना ट्रक लेके गए हुए हैं अभी हाईवे के ऊपर, सारे भाई अपने ठीक हो बस, वहाँ पे किसी का नुकसान ना हो बस ऐसे वेदर में। आज मैं तो घर पे हूँ, मेरे को बातें आ रही हैं, लेकिन आपको मालूम है जब मैं हाईवे के ऊपर था, मैं भी ऊपर वाले का नाम लेके कहता भाई गुरु बाबा जी एक बार बचा लो, एक बार बचा लो, सेफ चलो यार, नहीं सेफ लग रहा, रुको आराम करो, कोई फायदा नहीं है, 4 दिन का ट्रिप 6 दिन में लगेगा ना, अगर सेफ आओगे तो सही है ना पापा, अभी करना भी सही हो गया, देख लो मेरी आंखें खुल गई थोड़ी, जान में जान आ गई अभी, इधर बिल्कुल सब सही है, इधर तो इंटरसेक्शन देखो कितना क्लियर किया हुआ है ना, काफी क्लियर है। इसको कितनी जल्दी है बंदा, पहले भी मारी है इसने ना, ये फ्रेंच वनीला सही है, ये सही है, ये सही है। चलो कोई तो पसंद आई, ये सही लग रहा है, गाड़ी फुली लोड हो गई है, गाड़ी बहुत फंस के निकलती है यहाँ पे, फंस गई। जाम है पूरा, मैं ट्राली छोड़ के आता हूँ, बैठो ठंड बहुत है। इसको बोलते हैं बगैर आइसक्रीम के ठंडा। आज वो ठंड है, डीप फ्रॉस्ट वाली चिल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है। आज कनाडा का झंडा देखो वहाँ पे, स्पीड देखो उसकी, ये नॉर्थ वाली है, मेरे ख्याल में आगे बंद है रोड पापा, मेरे ख्याल छोटी गड्डी करके निकला होगी, नहीं ये ऑल व्हील ड्राइव है, वो आगे एक लाइट दिख रही है ना, के चक्कर में कोई फंसा हुआ है अभी मेरे ख्याल में, ये तो बंद करके चला गया यहाँ पे, आता हूँ देख के आगे, मोबाइल रखो यहाँ पे, हाँ भाई लगा दिए, आगे जाके देख के तो मेरे ख्याल में रास्ता तो बंद है, ये देखो आगे मेरे ख्याल में ना कोई कार फंसी हुई है, तो उसको निकाल रहे हैं ये टो वाले, उन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया, अपने पास दूसरा रास्ता भी है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन देखते हैं जाके कि हुआ क्या है। ये देखो बेल्टें पड़ी हुई हैं, देखो मैं पूछ के आया हूँ, ये बोल दिया कि मैं भी स्टक हो गया, इनका पीछे वाला पिकअप भी स्टक है, तो मैं दूसरा रूट लेता हूँ, दूसरा रूट लेके जाते हैं, आंखें नहीं खुल रही यार, इतना बुरा हाल है, ये खुद टो वाला था जो गाड़ियाँ निकालता है ना वो था, यहाँ पे हवा पड़ रही है ना, दिमाग पागल हो रहा है, सिर दर्द करना शुरू कर दिया इतने टाइम के अंदर अंदर, मेरे माथे के ऊपर हवा गई बहुत ज़्यादा। मेरा कभी माथा दर्द नहीं किया हवा से, इतने से टाइम में मेरा यहाँ से दिमाग खराब हो गया, आगे के पिक्का फंसो सबसे आगे पिक्का, स्नो का लेवल कितना है आगे मालूम है, 5-5 फुट है, ये वाला रिकवरी वाला उसको निकालने के लिए जा रहा था, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ऊपर वाले का नाम लेके ना यहाँ से धीरे धीरे खिसकते हैं, लेवल तो देखो, ये देखो ये क्या हो गया रहा, ये देखो
यार्ड वाली तरफ से आते ना किसी काम से, इधर गए थे हम, उधर से आते हैं तो फिर हमारा ये शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट भी आज शॉर्टकट नहीं रहा। अगर अपने पास में 8 सिलेंडर या 6 सिलेंडर होती तो डेफिनेटली मैं पुल करता था वो रिकवरी वाले को। अगर शॉर्टकट की तरफ से आते तो यहाँ पे निकलते थे। ये वाला पास में ही है, नहीं है तो यहाँ से 50-100 मीटर, लेकिन ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा है। मैं स्पेशल देखने के लिए गया था कि क्योंकि मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है बार बार कि 4x4 है वो, अगर वो फंस गया तो, लेकिन यहाँ से तो पापा नहीं आ सकता था। नहीं, नहीं, ये 4-5 फुट की तय लगी हुई है, इसके आगे फिर प्लेन है, फिर आगे तय लगी हुई है, वो पूरा जोर लगा रहा है वहाँ पे अभी भी। चलो खैर, बाबा जी बड़ा करें, आराम आराम से खिसकते हैं। नहीं जाएगी, नहीं चाहे कोई भी पिका होगा, नहीं जाएगी। नहीं, चलो अभी जो टो वाला दूसरा आएगा बड़े वाला, फिर वो निकालेगा इनको गर्दन से पकड़ के निकालेगा। फिर थोड़ी सी डेडिंग कर रहा था तो पापा ना जब भी सुबह के ऊपर बैठते हैं, जहाँ डेली आप देखते हो वीडियो में, तो आराम से बैठे होते हैं क्योंकि घर के अंदर हीट होती है, लेकिन आज बार स्टॉर्म में जाके माइंड ऑफ स्टेट जो है चेंज हो चुका है। ये देखो, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना ठंड देखा। पापा को मैंने जानबूझ के बोला कि पापा एक बार बाहर निकले देखो, गाड़ी के अंदर बंदे को महसूस नहीं होता कि बाहर चल क्या रहा है। गाड़ी के अंदर सिर्फ स्नो जाती दिखाई देती है, लेकिन स्नो अपने ऊपर फील कैसी होती है वो बाहर निकल के आपको मालूम पड़ा। भाई मैं लेह लद्दाख तक गया, उधर भी ठंडी देखा, लेकिन जो ठंड ये नॉर्थ वाली हवा जब चलती है तो मम्मी बोलते थे आज वेदर बहुत अच्छा है बाहर, मेरे को बाहर जाने को दिल कर रहा है। मम्मा भी बोल रहे थे नहीं बहुत जबरदस्त है, मेरे को हवा रोड से ऑटोमेटिक धकेल के गाड़ी के अंदर डाल दिया, इतनी ज्यादा हवा थी, इतनी ज्यादा हवा थी और इतनी ज्यादा ठंड था। मिनी पैक से जब जो भी हाईवे बार है सब बंद है, अभी तक बंद है। आज शायद वीडियो नहीं बनेगी, आज मैं पूरी रात जागा हूँ, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कर दो बोलता कर दो रब रखा। We can have the world. See us coming like left, right, left, right, oh.